इस वक्त हम दिल्ली के मालवीय नगर के बेगमपुर के उसी मदरसे में मौजूद हैं जहां पर 8 साल के मोहम्मद अजीम की हत्या कर दी गई थी। इस पूरे मामले को लेकर कल फिर यहां पर तोड़फोड़ की गई। जो मोहतमिम साहब हैं उनके बेटे को उठा करके ले गए और उसके बाद उनके सर पर ईंट मारी गई। पुलिस यहां पर मौजूद थी क्योंकि दीवार बनाई जा रही है, दीवार नहीं कह सकते बल्कि उसको बैरिकेड किया जा रहा है टीन से। पहले ये बात हुई थी कि यहाँ पर दीवार बनाई जाएगी और दीवार का पूरा खर्चा जो यहाँ के लोकल विधायक हैं सोमनाथ भारती उसका पूरा खर्चा उठाएंगे, लेकिन वक्फ बोर्ड ने जब इनको एनओसी दी तो उस वक्त इनसे ये कहा गया कि इसका पूरा खर्चा आप उठाएंगे, उसी शर्त पर आपको एनओसी दी जाती है। और जो पुलिस के साथ बैठ करके जिस चीज़ को पूरी बात हुई थी, एक नक्शा बनाया गया था कि इस तरह से झुग्गी वालों के लिए रास्ता छोड़ना है, तो उसी के अकॉर्डिंग ये लोग यहाँ पर काम करा रहे थे, लेकिन उस पर भी झुग्गी वालों को एतराज़ है और वो अपने हिसाब से यहाँ पर रास्ता बनवाना चाहते हैं। मोहम्मद अली जौहर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे इस पूरे मामले पर बात करेंगे। कल क्या हुआ था जो पत्थरबाजी की गई और किस चीज़ को लेकर ये लोग पूरा इस पूरे मामले को ले रहे हैं? यहाँ पर जो अजीम जो शहीद किया गया था अजीम को, वो भी मदरसे के ग्राउंड में चंद अनासिर पसंदों ने शहीद किया था और उसमें कुछ उकसाने वाले जो है जिनके बच्चा भी मौजूद है उसमें मुलविस है, वो अब तक जो आज़ाद घूम रहे हैं और उनको पर कोई सख्ती कोई उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। उसके बाद फैसला ये हुआ था कि भाई जो है इनको बीच में से ना निकले मस्जिद में से ये, बल्कि ये जो है एक तरफ से निकल जाएँ। तो हमने ये सोचा कि क्या नाम है, चलो फितना ना हो बार बार वो ना हो, इसलिए हमने सोचा कि भाई चलो 5 आदमी कह रहे हैं, एसपी डीसी साहब कह रहे हैं, तो हम एक तरफ से ये निकल जाएंगे, निकलने के लिए इनको हम जगह दे देते हैं। 5 फुट की 4 फुट की गली है जहाँ से निकलते हैं, उससे अलावा 4 रास्ते और भी हैं जिस 3 जिनमें से एक बंद है, 3 मौजूद हैं, उन ज़रूरतें पूरी हो रही, लेकिन ज़िद करने के बावजूद हमने फितने को ख़त्म करने के, भाईचारा अमन को कायम रखने के लिए हमने सब की मीटिंग मशवरा करके बात मानी कि भाई ठीक है निकलने के लिए इनको 8 फुट का रास्ता हम पीछे से दे देते हैं। जो रास्ता डीसीपी साहब के सामने तय हुआ था वो मुकम्मल हो रहा था 8 दिन पहले, लेकिन फिर इन लोग जो है जो अनासिर पसंद शर पसंद हैं जो कातिल भी हैं उनमें से, उन्होंने उसका एतराज़ करके हमें ये नहीं चाहिए, हमें अपने झुग्गियों के पीछे से रास्ता दूसरा चाहिए, जबकि वहाँ 5-6 कमरे मदरसे बने हुए हैं, उनको तोड़ कर क्या ना दूसरा बनाना बहुत मुश्किल है, 3 दिन में नहीं बन सकता और 8 दिन नहीं बन सकता, लेकिन उसके बावजूद हमने सबके फैसले को मानते हुए निकलने के लिए हमने वो 5-6 कमरों को तोड़ रहे हैं और तैयार किया जा रहा है। उसी से मुतालिक क्या नाम कल जो काम हो रहा था, कुछ लोग हंगामे आए जिनमें कमला और बंटी और काकू और सरोज आकर वो दरवाजे को जो लगा हुआ था उसको खोल दिया, ज़बरदस्त धक्का मार के 3 पुलिस वाले थे ज़बरदस्त खोल कर पथराव शुरू कर दिया। हमारा लड़का मौलाना मुमताज़ वहाँ पर काम करा रहे थे, जो मस्जिद के मौज़िन भी हैं वो आके काम करा रहे थे, उनको पकड़ के ले गए, खींच कर उन्होंने भगाना शुरू किया, तो पकड़ के ले गए अंदर, उसको जोतकोप किया, सर फाड़ दिया, जिसमें 8-10 टाँके उनके आए हैं, उनकी घरवाली को पता चला, जैसे वो भाग कर उनको बचाने के लिए उनको भी दबोच लिया और उनके भी 10-12 टाँके आए जो अब भी खून की उल्टी हो रही हैं, सीरियस हैं। इस पूरे मामले की आपने पुलिस में कंप्लेंट की है, तो क्या उस पर कोई एफआईआर दर्ज की गई है? जो लोग आरोपी हैं उनको पकड़ा गया है या क्या वो यहीं टहल रहे हैं? अभी हमने एफआईआर जब अजीम का शहीद हुए थे उस वक्त भी हमने दरख्वास्त दी थी, उसका पर भी अमल हमारे सामने अब तक कुछ नहीं है, ना किसी को पकड़ा है, जो कातिल हैं उनमें से भी घूम रहे हैं और उन बच्चों को भी छोड़ दिया, जो बच्चे बताया गया उनको भी छोड़ दिया गया है, और जो उकसाने वाले हैं जो फिसाद कराने वाले हैं वो उभार रहे हैं वो आज़ाद घूम रहे हैं, उन्हें आज तक पुलिस ने किसी ने उनसे कोई जवाब तलबी नहीं की है। तो कल के मामले की आपने कंप्लेंट दी है तो उस पर कुछ एक्शन हुआ है? कल की कंप्लेंट जो कंप्लेंट तो रात दी है, बाकी एफआईआर बता रहे थे वो जी कल में जो पुलिस ने खुद ने एफआईआर दर्ज कर ली और उसके बाद में हमने भी एक कंप्लेंट अलग से दी है, तो वो ये कह रहे थे इसकी क्या ज़रूरत है। मैंने ठीक है जो आपने जो मतलब दर्ज कर ली जो कर ली, लेकिन हमारी कंप्लेंट बनती है हम वो अपना आपस दे रहे हैं, फिर हमने उस रिसीविंग करा के अपनी कंप्लेंट लेकर आए। तो उस पर अभी कोई एफआईआर दर्ज? अभी कुछ नहीं, वो जो उन्होंने पहले कर ली थी कल वही है अभी तो जी। मौलाना क्या कहेंगे जिस तरह से अजीम वाले सानिया के बाद भी कोई ख़ास जो है असर पुलिस को देखने पर नहीं मिला, हालांकि काफ़ी लोग पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचे थे, वहाँ जॉइंट सीपी से भी बात हुई थी, डीसीपी से भी बात हुई थी, लेकिन उसके बावजूद कानूनी कार्रवाई जिस तरह से होनी चाहिए थी उस तरह से नहीं हो रही? उस तरह से कानून कार्रवाई नहीं हो रही है, डीसीपी साहब तो अपनी जगह सही हैं, लेकिन बाकी जो अमला है वो उनकी कार्रवाई से कानून कार्रवाई ना हमारे सामने आई है ना हम मुतमईन हैं, और हमें जान का खतरा बनवा, जान माल का खतरा बनवाए, जो लोग उनको उभार रहे हैं जुबैर है, हाजरा है, काकू है, जो उनके बंटी है, कमला है और कई हैं,
ये मतलब सब इनसे हमें जान, अब भी ये पत्थर इकट्ठा कर रहे हैं, अभी खबर मिली है डंडे लाठी इकट्ठे कर रहे हैं और दोबारा पथराव का खतरा है उनको। जिस तरह से आप कह रहे हैं कि जो यहाँ का बीट ऑफिसर है वो इन लोगों से मिला हुआ है, SHO मिला हुआ है, SP मिला हुआ है, तो उन सब चीज़ों को लेकर आप DCP से कंप्लेंट करते हैं तो एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा? हमने कल भी 3 बजे हमने DCP साहब से मैंने बात करी थी फ़ोन पे कि बेफिक्र हो मैं वीरेंद्र जो है से बात करता हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा महिपाल जो है वो ना काम करने देते हैं और ना आगे गाली गलू देते हैं, कभी बिल्डोजर चलाने कहते हैं मदरसे कमरों में बिल्डोजर चला देंगे, ये कर देंगे, धमकी देते, मारने की भी धमकी देते हैं, बदतमीजी से बोलते हैं। कौन है महिपाल? महिपाल डिवीजन अफसर है, 2 फूल वाले जो इलाके में यहाँ बिस्टकांस पर लगे हुए। तो महिपाल की शिकायत आपने DCP से की तो क्या कहते हैं वो? कह रहे सब ठीक है, कल हम जाकर डायरेक्ट लिख कर जाने वाले थे लेकिन यह हादसा हो गया असर के बाद और मगरब के बीच में 5:15 बजे तकरीबन, फिर वो रुक गए, नहीं तो हम जा रहे थे। DCP साहब से फ़ोन पे बात हुई थी कि मैं कह देता हूँ, मैंने कि साहब हम मिलने चाहते हैं कि आ जाओ। तो अब आप यहाँ पर टीन शेड लगा रहे हैं लेकिन NOC दी गई है दीवार लगाने की जो वक्फ बोर्ड के जरिए, तो उसकी क्या वजह है? क्या पुलिस वाले यहाँ पर दीवार नहीं बनने दे रहे हैं? अभी सब मना कर रहे हैं कि फिलहाल दीवार नहीं कर सकता, अब अभी आप टीन लगाइए, उसके बाद में कर लेना, अभी मौका नहीं है दीवार लगाने का उसका करने का। तो मौलाना क्या लगता है जिस तरह से यहाँ पर जब पूरी आपके इलाके में है, पूरे आपके कब्ज़े में है, उसके बावजूद आप दीवार नहीं बना पा रहे हैं, सिर्फ टीन शेड लगा रहे हैं, तो क्या ये मुमकिन है कि आइंदा ये दीवार कभी ना लग पाए? कंप्लेंट वाले कंप्लेंट करते रहते हैं और पहले भी काम रुकवा दिया, मस्जिद का चबूतरा जो है वो भी का नाम ज़ुबैर ने और चंद लोगों ने आजरा इन्होंने रुकवा दिया था पहले, वो उसमें भी काम नहीं करने थे, तो हमें तो ख़तरा है कैसे काम होगा, हमें अपनी जान के ही ख़तरा है तो काम कैसे हो जाएगा, आज़ादी से काम कैसे हो सकता है? घर वाले घबराए हुए, मदरसे के बच्चे घबराए हुए हैं, सब डरे हुए हैं, कभी भी कुछ कर सकते, अब भी ईंट पत्थर लाठी डंडे इकट्ठे कर रहे हैं, आगे प्लान झगड़े का है। तो क्या इन सब चीज़ों को लेकर जो हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी मिल्ली तंजीमें हैं, चाहे वो जमीयत की बात करें या और ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, तो उनसे कुछ किसी तरह की मदद चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि अमन कायम हो और हमारी हिफाजत तहफ़ुज़ हो और मदरसा काम आज़ादी से काम हो और मदरसा चले, हम किसी से न लड़ाई चाहते हैं न दंगा चाहते हैं, हम चाहते हैं तंजीमें जो जमीयत उलमा हो, जमात इस्लामी हो या इमाम साहब हों, वो सब मिल के हम सब मदद चाहते हैं, भाईचारा कायम हो, अमन हो और मदरसे में कोई दखल अंदाजी ना हो और आइंदा ऐसा कोई हादसा ना हो, उसका तहफ़ सरकार भी करे और जमीयतें भी करे, तंजीमें भी करें। जिस तरह से आपको ये कहना है कि जिस तरह से आपके बेटे को कल कोशिश की गई, कोई बड़ा हालांकि इंसिडेंट नहीं हुआ, हालांकि सर में टाँके आए हैं तो बड़ा भी हो सकता था, तो आइंदा भी आपको ख़तरा है, तो क्या यहाँ पर नमाजियों की तादाद बहुत कम है या मुस्लिम्स नहीं आ रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर, आप अपने आप को गैर महफूज महसूस कर रहे हैं? गैर महफूज महसूस कर रहे हैं और वो कुछ भी हो सकता था, उसके बाद काकन जो है सरोज बाद में इस हादसे के बाद में रात को 11-12 बजे भी आई दोबारा हमारी जगह, हम ये करेंगे हम हंगामा करें, कौन रोक रहे हमें रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता, उसके बाद भी आई हादसे के बाद में। एक हमारे साथ ये यहाँ पर लड़के हैं जिनका ये कहना है कि इनको भी धमकाया गया और चाकू मारने की, क्या हुआ था पूरा, किसने धमकाया आपको? उसका नाम काकू है और मैं सब्जी लेने के लिए जा रहा था, मौलाना ने मुझे भेजा तो उन्होंने मुझे रास्ते में रोक लिया और धमकी दी कि आने वाले वक्त में मैं तुम्हें बताऊँगा, आज से 7-8 दिन पहले की ये घटना थी और फिर आज ये घटना रात हो गई थी शाम को। हमारे साथ शुएब हैं जो यहीं मालवीय नगर में रहते हैं। शुएब क्या कहना चाहेंगे इस पूरी घटना पर, जिस तरह के हालात यहाँ आने के बाद लग रहे हैं, टीन शेड लगवाया जा रहा है पुलिस से ज़बरदस्ती, तो क्या दीवार मुमकिन है, आइंदा कभी दीवार बन पाए यहाँ? जी अभी अगर नहीं बन रही है तो बाद में तो मुमकिन ही नहीं है कि दीवार बनेगी, अभी चाहिए सरकार को कि यहाँ दीवार बनाए, दीवार और हिफाजत करे, मदरसे का हिफाजत सरकार की जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदारी उसको पूरी तरह निभाना चाहिए, वो पीछे हट रहे हैं, जिस तरह देख रहे हैं ये काम जिस तरह हो रहा है उस तरह नहीं लग रहा है कि आगे चल के ये काम ऐसे ही रहेगा, आगे जाके इसको तोड़ भी सकता है, मतलब जाके फिर तोड़ के उधर भी घुस सकता है, उधर भी कुछ भी कर सकता है, कब्जा भी कर सकता है, ये लोग जिस तरह से पत्थरबाजी मारपीट शराब की बोतल इस तरह के फेंके जा रहे हैं, तो इस तरह से लग रहा है कि मस्जिद को मदरसे को तोड़ने की ये लोग पूरा प्लानिंग बना चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काम चल रहा है, ये जगह है जहाँ से अभी रास्ता निकालने की पहले बात हुई थी, जो एक नक्शा बनाया गया था DCP के ज़रिए और उसी नक्शे के अकॉर्डिंग जो यहाँ के मोहतमिम हैं इस दीवार को बना रहे थे, लेकिन उसके बावजूद SHO और ACP जो है पूरी तरह से बजिद हैं कि अब दूसरे नक्शे पर काम होगा और उसके अकॉर्डिंग इनको ये पूरे जो कमरे बने हुए हैं पहले से ही इनको तोड़ना पड़ा है और उसमें काफ़ी टाइम लगेगा, जिसकी वजह से कल यहाँ पर काफ़ी हंगामा हुआ, पथराव किया गया और अब फिर ये कहना है कि सकता है दोबारा यहां पर पथरा हो जाए। उसके अलावा ये दीवार बनने की बात थी जिसकी NOC दी गई है वक्फ बोर्ड के जरिए, लेकिन यहां पर SHO और ACP के कहने पर टीन शेड लगाया गया है, दीवार नहीं बनने दी गई।
क्योंकि उनका ये कहना है कि यहाँ पर हंगामा हो सकता है। जाहिर सी बात है अगर सिर्फ टीन शेड लगाया गया और ये कहा जा रहा है कि बाद में आप यहाँ पर दीवार बनवा सकते हैं, जब अभी दीवार नहीं बन पा रही जहाँ से इनका रास्ता है जो पूरी तरह से मदरसे के कब्ज़े में है, तो बाद में किस तरह से दीवार बन पाएगी जब ये रास्ता निकल जाएगा और लोग यहाँ से गुजरेंगे, किस तरह से वो दीवार यहाँ पर बनने देंगे। तो कहा जा सकता है कि पूरी तरह से ये साजिश है पुलिस की, मिली भगत के बाद इस पूरे मामले पर जो है ये कोशिश की जा रही है कि मदरसे की ज़मीन को, ज़्यादा से ज़्यादा मदरसे की ज़मीन को किस तरह से जो यहाँ के झुग्गी वासी हैं उनके इस्तेमाल में लाई जा सके, और उसी के तहत पूरी ये साजिश रची जा रही है। क्योंकि ये जगह भी मैं दिखाना चाहूँगा, ये दीवार जो बनी हुई है इसके पीछे एक पार्क है, ये जगह भी वक्फ बोर्ड की थी लेकिन ज़बरदस्ती यहाँ पर पार्क बनवा दिया गया। और पिछले दिनों जब यहाँ पर दिल्ली के भाजपा के अध्यक्ष मनोज तिवारी आए थे तो उन्होंने इस ज़मीन पर भी पार्क बनवाने की बात कही थी और ये कहा था कि यहाँ इसको भी जो है पार्क में ले लिया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा पाएँ। तो जाहिर सी बात है वक्फ बोर्ड के ऊपर सवाल खड़ा होना लाजमी है कि जब प्रॉपर्टीज़ पर इस तरह के कब्ज़े होते हैं वक्फ प्रॉपर्टीज़ पर, तो वक्फ के लोग क्यों सामने नहीं आते, क्यों वो पुलिस में अपनी तरफ से कोई कंप्लेंट नहीं देते। इस मामले में भी जिस तरह से वक्फ बोर्ड का जो रवैया है शुरू से लेकर जब अजीम का सानिहा हुआ था, जब अजीम की शहादत हुई थी, उस वक्त से लेकर आज तक आम आदमी पार्टी के जो चेयरमैन हैं वक्फ बोर्ड के अमानतुल्ला खान, वो पार्टी की सियासत कर रहे हैं और अपने वोट बैंक को साध रहे हैं। दिल्ली से कैमरा पर्सन ताबिश अली के साथ न्यूज़ मैक्स के लिए शकील अहमद।